आप सुबह सुबह घुड़सवारी करने चले गए थे? जी हाँ, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। आपको शौक है? नहीं। सवारियां तैयार है सरकार। अरे मुंशी जी, जी आपने ये कारवां क्या लगा रही है? सरकार, इस प्यादे को क्या मालूम कि सवार को कौन सी सवारी पसंद है। सुबह को आप घोड़े पर गए थे, ये लोहे के घोड़े, ये राजा साहब के जमाने का यानी कि ओपन एयर घोड़ा, यानी कि ओलन खटोले पड़ जाऊं, किसी के हाथ ना आऊं। आइए, और ये है जीप, शिकारियों का शिकारा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है और फुदक फुदक कर आगे बढ़ती है। और ये है एम्बेसडर, माता जी का राजदूत, और इससे डरते हैं बड़े बड़े भूत। और ये है मारुति, पवन पुत्र, ये चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल। और ये है क्वीन विक्टोरिया के जमाने की विक्टोरिया, विक्टोरिया नंबर 203। मैंने इसमें बहुत हीरा ढूंढा, मुझे नहीं मिला, आप देखिए शायद आपको मिल जाए। मुंशी जी, हाँ जी, हम गाड़ियों में तो बहुत घूमे, बट दिस विल बी समथिंग अनयूजुअल। विजय जी, बगी में जाना पसंद करेंगे आप जिस तरह चाहे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बोला भाई, दस आज फिर मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। ओहो, वाह भाई, आहा 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 आहा, वाह 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 वाह, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, घोड़ों को भी खबर है। वो सामने जगह क्या है? वो हाँ? आपको नहीं मालूम? नहीं। ये बहुत पुरानी हवेली है, इसमें आपके पुरखे रहा करते थे। कोई 100-125 साल पहले जब वो नई हवेली बनी, तब से उन्होंने ये हवेली छोड़ दी, तब से ये सुनसान ही पड़ी है। इसमें आपके और हमारे कुल देवता का मंदिर भी है। मंदिर है? हाँ, शंकर भगवान का मंदिर। क्या हो गया इन घोड़ों को? अरे क्या हो गया इनको? ओह माय गॉड, आई एम टेरिबली सॉरी, वो घोड़े वो नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आपको चोट लगी, एक काम कीजिए, पीछे आइए, आइए। ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं नहीं ठीक है। तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से। अरे तुम लोग लौट कैसे आए? वो हुआ यूँ, माँ के रास्ते में घोड़े भटक गए। और विजय को क्या हुआ? ये कुछ नहीं आंटी जी, वह ऐसी मौज आ गई है। अरे अरे चंदा, जरा पानी गर्म करके उसमें नमक डाल कर लाना। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहे बेटे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ आंटी जी, मगर राजीव जी आज बाल बाल बच गए। कैसे? वो हुआ यूँ, एक सांप ने उन्हें काटने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। राजू, क्या बात है माँ? तुम क्या समझते हो कि तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा? फिर हुआ क्या? ये विजय क्या कह रही है? ओहो, इन लड़कियों से जरा सी बात खत्म नहीं होती।
अब ऐसे छोटे मोटे हादसे तो जिंदगी में हुआ करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर घोड़े भिदक जाएं और बेकाबू होकर आगे निकल जाएं तो उससे मेरा क्या कसूर है? और मुझे क्या मालूम था कि सांप वहीं कहीं छुपा था जो मेरा शिकार करना था? नहीं बेटा, मजाक में भी ऐसी बात मत करना। तुम नहीं जानते कितनी मन्नतों के बाद हमने तुम्हें पाया। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें बचाने के लिए 15 साल तक अपनी आंखों से दूर रखा, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में तुम्हारी खुशियां देखने को मिलेंगी, तुमसे वंश आगे बढ़ेगा। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी तो जिंदगी बेमानी हो जाएगी बेटा। हमें तुम्हारी खुशियां चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना। मुंशी जी, जरा अजय सिंह को फोन कीजिए कि वो अपनी गाड़ी में आकर राजू और विजय को साथ ले जाए। बेटे, वो जो दूर दूर तक फैले हुए खेत देख रहे हो ना, वो सब तुम्हारे फार्म से, और वो फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री है, वो भी तुम्हारी है। पिछले बहुत सालों से हमें शुगर के हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिलता रहे। देखिए, लेकिन पिछले 2 सालों से प्रोडक्शन एकदम कम हो गई। पिछले साल बारिश नहीं हुई और इस साल गन्ने की फसल को कीड़े खा गए। इसमें आपका क्या कसूर है अंकल? हजरत, आपके हम पर इतने एहसान है जिन्हें चुकाना बहुत मुश्किल है। नहीं बेटे, वो तो मेरा फर्ज था। अब तुम आगे अपना काम काज संभालो और मुझे मेरी जिम्मेदारी से छुटकारा। नहीं अंकल, मुझे अभी से झमेले में मत डालिए प्लीज अंकल। अच्छा मुंशी चले। नहीं मुंशी जी, आप ऐसे कीजिए, बैंक से पैसे आगे होंगे, आप जाकर बल्कि सुंदरखा बांध दीजिए, मैंने खुद छोड़ दूंगा। आप जाइए। नहीं लोटा अब आड़ है। ये कमबख्त गाड़ी को क्या हो गया है? चले क्या हो गया देखता हूं। लगता है गर्म हो गई है। उफ, ये कमबख्त ड्राइवर इतना भी नहीं देख सकते कि गाड़ी में पानी है कि नहीं है। तुम इधर ही बैठे बैठे मैं जरा उस झील से पानी भर के ला। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अरे मैं कब से जीप में पानी डालकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो कम ऑन। आज जब उस खंड को देखा तो कुछ अजीब सा लगा, एक अनजाना खिंचाव सा महसूस किया। लगा जैसे उस जगह से मेरा कोई गहरा संबंध है। कब मेरे कदम मुझे वहां तक खींच कर ले गए पता ही नहीं चला। यूं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पायलों की इतनी साफ आवाज मैंने सुनी जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। शायद मेरा वहम ही हो। तो फिर वो आवाज किसकी थी जो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है? जब तक उस आवाज के पीछे छुपे राज का पता नहीं चल जाता, मैं उस खंड में जाता ही रहूंगा। खिड़की बंद कर लीजिए सरकार, मौसम अच्छा नहीं है। तुम कौन हो? हम यहाँ के चौकीदार हैं सरकार।
तुम लोगों को बंदूक रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ डाकुओं का बड़ा खतरा रहता है, लेकिन आप घबराइए मत, हमारे होते हुए यहाँ कोई